हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज का डेट है 27 अगस्त 2020। आज जो मैं स्टॉक के बारे में बोलूंगा वो स्टॉक का नाम है डाबर इंडिया। इस स्टॉक में कुछ खास नया नहीं है, इसमें कुछ एक लेवल्स के बाद ही, ब्रेकआउट के बाद ही जो भी आना है अपसाइड वो आना है, अदरवाइज इसका दूसरा लेवल है। ठीक है, इसमें कुछ मैं इंटरेस्टिंग सा रीडिंग फाइंड आउट किया हूँ, आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, मिस आउट नहीं करना। और मेरा वन लाइन डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये डाबर इंडिया का आपके सामने जो है वो डेली चार्ट है, मेरा पूरा डिटेल में डिस्क्लेमर होगा वीडियो के एंड में, तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको इसके पहले भी बोलता हूँ ना, 2 या 3 दिन क्लोजिंग देखो, इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2 या 3 दिन क्लोजिंग मतलब ब्रेकआउट के बाद, ये दिख रहा है आपको, ये ब्राउन लाइन है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया था पर एक ही दिन होल्ड किया है। आप देखोगे यहाँ से लेके पूरा एंड तक 2 या 3 दिन तो हुआ ही नहीं, 2 दिन भी नहीं हुआ। तो अगर ये ब्रेकआउट पे लेके कोई रुक जाता है 515 पे, तो देखो आपका स्टॉक हो गया है 3400, कितना अच्छा करेक्शन आ गया इसमें। इसलिए जब भी ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस रखना, स्टॉप लॉस मिस नहीं करना। हर ट्रेड ऐसा नहीं होता है कि, मतलब कभी कोई कोई ऐसा भी होता है कि रीटेस्ट भी नहीं आता है, ये 2 या 3 दिन मौका भी नहीं देता, स्ट्रेट अवे एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट के बाद ऊपर भागना चालू रहता है। तो हर एक का रिस्क एपेटाइट, जो भी कोई ट्रेड करेगा तो स्टॉप लॉस रखना। ठीक है, अदरवाइज ये दो साइड नहीं है, कोई कोई स्टॉक में मौका नहीं मिलता है, कोई कोई स्टॉक में मौका मिलता है, तो ये आपका रिस्क एपेटाइट है और आपको जो सूट करता है आप वो हिसाब से कीजिए। एनीवे, अभी दिख रहा है यहाँ पे ये फ्रेश रेजिस्टेंस बन रहा है, रिफ्रेश रेजिस्टेंस अगर डेली में देखेंगे तो 523 का दिख रहा है आपको, दिख रहा है डॉटेड लाइन, तो 520 से लेके 530 रुपए के बीच में रखना। इसमें आपको जो मैं इंटरेस्टिंग था रीडिंग बताया था स्टार्टिंग में वो भी बताऊंगा मैं आपको इसके बीच में, ताकि आपको पूरा कनेक्ट हो जाए। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो वो देख लीजिए, जितने भी इसमें लाइन्स है वो लाइन्स आपको पूरा वीडियो एंड तक ही समझेगा कि को भी लाइन्स जो भी बने हैं कौन से बेसिस पे बने हैं। तो आपको अब एक बार मैं वीकली दिखा देता हूँ, ये आपके सामने जो है ये वीकली है, आपको दिख रहा है वीकली में भी अच्छा खासा टॉप बन रहा है। ये टॉप जो अगर वीकली में करने का तो 534, तो बेटर होगा कि वेट कीजिए, क्योंकि मैं अभी जो बताऊंगा तो आपको समझेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ वेट करने के लिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी ऊपर जाता है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ भी है जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मैं पहला जो इंटरेस्टिंग सा चीज है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें, तो ये आपके सामने जो है वो मंथली है, आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर हम पहले देखने के ना, इसके पहले भी ऐसी बना था, दिख रहा है प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है बट डाइवर्जेंस मतलब ये RSI है ना, नीचे नीचे आ रहा है, ये RSI है जो इंडिकेटर यूज किया आपके सामने, और ये सेम चीज अभी भी बन रहा है। अगर हम पहले देखने गए, अगर ये टॉप से देखने गया तो कितना 316 से लेके यहाँ तक करेक्शन आ गया है 239, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। तो अभी यहाँ का जो हाई है 525 और अभी का जो था, अगर ऑलरेडी करेक्शन आ गया है बट एनीवे ब्रेकआउट के बाद ही बेटर रहेगा, बट पॉसिबल है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है, शायद ये हो सकता है कि RSI फिर से ऊपर टच करे, फिर से नीचे आए, तो वो पॉसिबल हो सकता है, इसलिए वेट कीजिए जब तक ब्रेकआउट होगा नहीं तब तक। पर ओवरऑल मुझे नेगेटिव दिख रहा है, इसमें पॉसिबल क्या है मैं वो आपको बताऊंगा वीकली में, आपको थोड़ा समझाऊंगा तो अच्छा समझेगा। आपको जो मैं अभी जो बॉक्स था वो निकाल दिया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे पॉसिबल ये लग रहा है कि ये जो है आने वाले दिनों में, ये लेवल एक सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है 460 के आसपास है और ये जो सपोर्ट है 414, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे जाएगा, पॉसिबल है कि वहां तक वो आ सकता है। फिर से हम मंथली में आ गए हैं, ठीक है, बेस्ट ये होगा कि देखो सपोर्ट कैसा ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता। अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट के बाद ये चैनल का ये जो नीचे है वो, तो अभी तक ये नहीं बाई या तो सेल कोई इसमें है नहीं, वेट करेंगे जब तक कोई इसमें रिवर्सल नहीं आएगा तभी तक वेट करेंगे। ये ओवरऑल आपके सामने जो है ये मंथली है, आपको दिख रहा है ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और ये जो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है ये 2000 कहाँ से, 2012 से लेके, 2012 से लेके अभी तक ये अप ट्रेंड बना हुआ है। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, FMCG जो भी ये सेक्टर है, ये सेक्टर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो वेट करेंगे, इसमें कोई बाई नहीं बनता है, वेट करना है, जैसा आगे कोई रिवर्सल जब तक नहीं आएगा तब तक वेट करेंगे हम। एनीवे, ये ओवरऑल मेरा डिस्क्लेमर है। एक्चुअली इस वीडियो में बनाने, जो जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली 2 या 3 बार बना चुका हूँ वीडियो, मेरे दोनों तीनों बार एरर आए, ये चौथी बार बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़े कुछ कुछ वर्ड्स जो मैं कंटिन्यू रिपीट करता गया, थक गया इसमें। एनीवे, जिस किसी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपको ऐसा लगा किसी दोस्त के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।